हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के क्लास 10वीं के विज्ञान का मॉडल सेट 1 का सेक्शन बी का प्रश्न उत्तर आप लोगों को बताने वाले हैं, और अगले वीडियो में आप लोगों को सेक्शन ए का प्रश्न उत्तर बना दिए हैं। तो आप लोग जो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज सेक्शन बी के प्रश्नों को आज बताने वाले हैं। तो सेक्शन बी का जो ये प्रश्न है, देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है, जो 8 से 14 तक का प्रश्न रहेगा। तो 8 से 14 में आप लोगों को किन्हीं 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है बोर्ड एग्जाम में, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का मान मतलब अंक कितना दिया गया है, 3 अंक निर्धारित किया गया है। तो आज आप लोगों के 8 से 14 तक का 4 प्रश्नों को सोल्यूशन लेकर आए हैं। इसके बाद आप लोगों को यानी पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाएंगे। तो आज पार्ट 1 और पार्ट 1 में 4 प्रश्न, और पार्ट 2 में आप लोगों को और अगला प्रश्न बताएंगे। तो आज पार्ट 1 में ही 4 प्रश्न को सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सेक्शन बी का प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यानी निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो इसका क्या कारण है, जो इस दोष का क्या कारण है? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं? तो ये रहा आप लोगों का सॉल्यूशन आंसर। लिखा हुआ, इस दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर रखी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब इस दोष में ऐसे मतलब नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, मतलब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो इसका क्या कारण है? तो इस दोष का मुख्य कारण है नेत्र गोलक का लंबा होना। यानी नेत्र जो गोलक है, वो लेंस है, वो कैसा हो जाता है, इस तरह से लंबा हो जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो कैसे हम लोग उसे संशोधन करेंगे? इस दोष को अवतल लेंस का उपयोग कर समाधान किया जा सकता है। मतलब इस दोष को अवतल लेंस का प्रयोग करके मतलब ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दूसरा। लिखा हुआ है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वस्तु की आकार दिया हुआ है, यानी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, और ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में के सामने ही, ठीक है, 27 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो चीज़ दिया रहता है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग H1 के रूप में लिखेंगे वस्तु की साइज। तो वस्तु की साइज को 7 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, और बिंब की फोकस दूरी यानी F दिया है कितना, 18 सेंटीमीटर। तो ध्यान रहे दोस्तों कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। तो -18 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो वस्तु की दूरी यहाँ पर कितना दिया है, 27 सेंटीमीटर। ध्यान रहे दोस्तों कि अवतल दर्पण
और उत्तल दर्पण दोनों में हमेशा वस्तु की दूरी माइनस में ही होता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, भी निकालना है और एच टू यानी प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग दर्पण सूत्र से हल करते हैं। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, वन बाय भी प्लस वन बाय यू बराबर वन बाय एफ। अब इसमें मान पुट करेंगे तो वन बाय भी हम लोग को फाइंड आउट करना है, प्लस वन बाय यू, तो यू हम लोग को वस्तु की दूरी कितना है, -27 सेंटीमीटर, बराबर वन बाय एफ, तो एफ कितना है, -18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग हल करते हैं इसको, भी निकालते हैं सबसे पहले। तो वन बाय भी रही होगा बराबर वन बाय -18। ये देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर, तो माइनस होगा तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस 1/27 यानी 1/27। अब इस तरह से आ गया तो वन बाय भी बराबर, यहाँ तो ये माइनस में ही है, ठीक है। तो 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो 18 और 27 का लसा कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। तो 18 दिया 54, तो यहाँ आ जाएगा -3 प्लस 27 दूना 54 दो बार में, तो यहाँ आ जाएगा 2, घटेगा, ठीक है। तो वन बाय भी बराबर माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/54। भी फाइंड आउट करना है हम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी बराबर इधर हो जाएगा 54। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भी बराबर -54 सेंटीमीटर। तो अभी ये जान सकते हैं यहाँ पर कि प्रतिबिंब की अगर दूरी माइनस में आ रहा है, -54 सेंटीमीटर, तो जब भी माइनस में आएगा तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर H2 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। H2 तो एक यहाँ पर होता है आवर्धन सूत्र से भी, ठीक है ना। तो -V/U बराबर H2/H1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग को H2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दिया गया है माइनस पहले से भी और फिर -54 सेंटीमीटर बटा U हम लोग को कितना दिया है, -27 सेंटीमीटर बराबर H2 फाइंड आउट करना है। तो H1 हम लोग को दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 H2 बराबर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, या इस तरह से यहाँ पे काट सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ केवल प्लस में हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, -54 × 7, ठीक है। तो यहाँ से काट सकते हैं, गुना के रूप में है, और ये तो H2 हम लोग को केवल फाइंड आउट करना है, तो ये गुना के रूप में है तो उधर जाएगा, भागा में होगा, तो 27 से कम 27, 27 दूना 54, तो H2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, तो -14 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान रहे दोस्तों कि अगर प्रतिबिंब की मान अगर माइनस में आता है और ऊंचाई भी माइनस में आता है तो क्या होता है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, तो प्रकृति होता है यहाँ पर, प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, कैसे,
मतलब संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कैसे है, उदाहरण से समझाएं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, परंतु वियोजन अभिक्रिया एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। ठीक है ना? तो आप जान सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, परंतु वियोजन अभिक्रिया ऐसे एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है। तो आप उदाहरण से समझ सकते हैं, यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण बता रहे हैं, आयरन आयरन सल्फेट। तो आयरन सल्फेट है, तो आयरन सल्फेट को अगर इस तरह से, ये आयरन सल्फेट एक एकल अभिकर्मक है, ये टूट करके क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इस तरह से संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। इसी प्रकार के आप लोगों को मतलब संयोजन अभिक्रिया हम बता रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया में CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक है, ठीक है ना, दोनों आपस में मिल करके ठीक है एकल अभिका मतलब एकल उत्पाद बनाता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल दोनों आपस में मिल करके बन जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है। इसी प्रकार अगला है, चौथा लिखा हुआ है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, मतलब मेंडलीफ जो आवर्त सारणी बनाए थे तो उसमें क्या कमी थी, और आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया मेंडलीफ के आवर्त सारणी से। तो इसका सॉल्यूशन है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से होने वाली कमियां। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी कैसे बनाया गया था, तो उसकी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उसको आरोही क्रम में सजाया गया था, बढ़ते क्रम में। तो ये कमियां थी जो परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से दूर किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के अनुसार तत्वों को रखा गया आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो इस तरह से मेंडलीफ के आवर्त सारणी ने आधुनिक आवर्त सारणी से दूर किया गया। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 6 आवर्त और 8 समूह था, ठीक है ना, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, और आधुनिक आवर्त सारणी में 8 आवर्त और 18 समूह है। तो ठीक है दोस्तों, बस इसी तरह से आप लोगों को अगले वीडियो में यानी भाग 2 लेकर आएंगे। तो भाग 2 में आप लोगों को सेक्शन B का ही प्रश्नों को सॉल्यूशन बताएंगे। तो बस इतना ही, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।